Okay, the second generation computers were like developed during 1956 to 1963. बेसिकली इसकी जो बेस थी ना वो 1947 में ही रख दी गई थी और उस पर थ्रू आउट काम किया गया था और उसके 1956 से लेके 1963 तक इस पर काम होता रहा. ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ इसमें और फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस था. अच्छा, विद द पैसे आप देखते जाएंगे जनरेशन बाय जनरेशन, जब आप स्टेप बाय स्टेप आप जनरेशन पे मूव करेंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो आपको ये बात पता चलेगी कि जैसे जैसे आपके कंप्यूटर इन्हेंस होता गया, कंप्यूटर का साइज़ रिड्यूस होता गया, उसकी स्पीड बढ़ती गई, उसकी मेमोरी में भी इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया और उसकी उसने स्पेस भी लेनी कम लाइक कम स्पेस लेनी शुरू कर दी. ठीक है, अब आप जैसे ये देखें आपकी बुक पे पिक्चर दी गई है ट्रांजिस्टर की. ठीक है, आपके जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे दे वर वर्किंग ऑन द ट्रांजिस्टर्स. क्या है, ट्रांजिस्टर्स जो थे आपके एग्जैक्टली वैक्यूम वैक्यूम की तरह काम करते थे, बट ये क्या था, ये साइज़ में छोटे थे. सी आप खुद देख देख सकते हैं कि आपका जो वैक्यूम है ये साइज़ में बड़ा है थोड़ा. ठीक है, और अच्छा खासा ये स्पेस लेते थे और अच्छे खासे क्वांटिटी में यूज़ होते थे. जब आपकी बात आई इनकी तो सी आपके जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये साइज़ में स्मॉल है ना. ठीक है, ये जो आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थी दे वर्क ऑन द ट्रांजिस्टर्स और एग्जैक्टली वैक्यूम की तरह काम करते थे. दे आर लेस इन साइज, दे डिड नॉट सॉरी प्रोड्यूस द हीट, ये रिड्यूस कर दी इन्होंने स्पेस हमारी. दे गॉट चीपर, क्योंकि इसलिए चीपर हो गए क्योंकि जैसे आपको कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है ना स्टार्ट में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मोबाइल आए थे दुनिया में सॉरी, जब मोबाइल इंट्रोड्यूस करवाए गए थे तो स्टार्टिंग में मोबाइल बहुत कम लोगों के पास थे ना. जब जब जैसे जैसे मोबाइल लाइक इन उसमें इन्हेंस किया गया, उसको उसको डेवलप किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाइक फीचर्स डाले गए, तो वो जब जितना आम होता गया उतना ही चीप होता गया. तो सेम जब आप चीज़ न्यू न्यू आती है तब वो महंगी होती है, जब ज़्यादा लोग उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं दे गॉट चीप. ठीक है, सो ये वाला जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थी आपकी, ये चीप थी, रिलायबल थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स अगर ख़राब होते थे तो दे कैन बी सेट इजीली. सेम ये आपके पंच कार्ड पे काम करता था, इसमें मैग्नेटिक टेप्स लगी होती थी, इसमें प्रिंटर पे काम होता था. अच्छा, ये क्या करते थे, ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों लेता था. ठीक है, इसमें इनपुट एंड आउटपुट दोनों यूज़ होते थे. अच्छा, इसमें आपकी जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी. ठीक है, इसमें हाई लेवलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी और वो आपकी बुक में मेंशन है इनके नेम, मैं आपको दिखा देती हूँ. सी दिस पॉइंट, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोरट्रेन और कोबोल वर इंट्रोड्यूस इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अच्छा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के जो कंप्यूटर्स थे वो यूनिवैक थे, IBM और NCR सीरीज थी. ठीक है, ये सारे आप ना खुद से भी सर्च कर सकते हो कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे. क्लियर हो गया, सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में डिफरेंस ये था कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी, इसमें ट्रांजिस्टर्स थे जो काम बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब की तरह करते थे, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस द हीट. ये साइज़ में बड़ा था, ये साइज़ में कम था, ये कॉस्टली था, ये चीप था, ये अनरिलायबल था, ये रिलायबल था. क्लियर हो गया. नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड जनरेशन. ओके, द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर टाइम ड्यूरेशन इज 1963 टू 1971. ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन ये था और इट वर्क्स ऑन द ICS. ठीक है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सर्किट्स पे काम करता था. ठीक है, और इसको ये होती हैं चिप्स आपकी. ठीक है, ये इस चिप्स का आपको आइडिया होगा क्योंकि आप लोग माशाल्लाह मॉडर्न जनरेशन है हमारी. अच्छा, थर्ड जनरेशन यूज़ कर सर्किट्स अर्ली 1960s. अच्छा, इस द काइंड ऑफ चिप जिसमें क्या लगी होती थी, लॉट्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे. ट्रांजिस्टर्स आपके देख आप देख सकते हो ये स्मॉल है साइज़ में. ठीक है, और इसमें जो चिप हैं इसमें थाउजेंड्स ऑफ आपके ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे. आप मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, अब ये आपको देखना इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, इतना छोटा सा सर्किट के अंदर ना छोटी छोटी ट्रांजिस्टर्स लगी हुई थी और थाउजेंड्स की फॉर्म में लगी हुई थी. ठीक है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो आपके इम्प्लीमेंट किए गए थे. और ये क्या था, साइजेस आर डिफरेंट. अब साइजेस किसके डिफरेंट थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के. ठीक है, अच्छा, इसके बाद से कंप्यूटर आपका बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया, आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई, आपकी मेमोरी इंक्रीज़ हो गई, आपका साइज़ रिड्यूस हो गया, आपने हाई लेवल. अच्छा, इस जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, इसमें आपकी यूज़ की गई थी हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज
या नेचुरल लैंग्वेज जिसको आप कह सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज वो होती है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर काम करता है ज़ीरो एंड वन बाइनरी लैंग्वेज पे, ठीक है। आप कंप्यूटर को कोई भी सेंटेंस देते हो, वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में पहले उसको चेंज करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। अब जो सेकेंड थर्ड जनरेशन थी, सॉरी थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो वही नेचुरल लैंग्वेज, जैसे हम इंग्लिश बोलेंगे तो कंप्यूटर भी इंग्लिश में ही काम करता था, ठीक है, उसमें नेचुरल लैंग्वेज यूज़ की गई थी। अब एक बुक पे आपको इसके ना डिफरेंट कंप्यूटर के नेम्स भी बताए गए हैं, आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे आपको पेज नंबर 13 पे यहाँ पे ना सब एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर ब्रॉस 16700 IBM इसमें आता है, इसमें कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 3300 एंड 6600 कंप्यूटर्स और इंक्लूड, ठीक है। एक मेन पॉइंटर इसका था वो ये था कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपको कीबोर्ड, मॉनिटर और ये चीज़ें यूज़ होती थी आपकी, ठीक है। आप कीबोर्ड से डाटा एंटर करते थे, मॉनिटर पर डिस्प्ले होता था आपकी, यही मैंने आपको बताया कि थर्ड जनरेशन में आपका कंप्यूटर डेवलप हो चुका था काफ़ी हद तक, ठीक। इसमें कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ भी शुरू हो गया था। अच्छा, आपको यहाँ पे साइड पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंटेल इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 इन नवंबर 1971, ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये आपको फोर्थ जनरेशन में काम आएगी। अच्छा, ये बेसिकली आपको बना मैं यहीं भी फोर्थ जनरेशन में बताऊंगी। मैं बताने का मेरा मकसद ये था कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके MCQs में मास्टर आता है, ठीक है, आपने इसको याद करना है।